कल्लू जी जो हैं हाँ उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था इस लाइन में गाना वाना गाना? गाना उना तक हमने के ये मथिन माँ काला मंच पर हमने के पहले उनका के अच्छा, उनके गुरु का क्या नाम है कुछ पता है आपको? सुनील सागर उनके गुरु थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक यादव, आप देख रहे हैं दीपक बनारसिया। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं बक्सर, और बक्सर में अहिरौली गांव में है अरविंद अकेला कल्लू जी का घर। तो आज हम उनके घर पे जाने वाले हैं और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है उनका, जो है पूरा हम आपको घर अच्छे से दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने, तो वीडियो का एंड तक देखिए। और हमारी जो ट्रेन है वो सुबह है, तो अभी जो है शाम का वक्त, देख सकते हैं आप सूर्य ढल चुके हैं इधर, आप हमारे पीछे देख सकते हैं इधर सूर्य ढल चुके हैं, सूर्य जी का अता पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, हमारे साथ चंदन भाई हैं, हम और चंदन भाई दोनों लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं बक्सर जंक्शन पे, आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है बक्सर जंक्शन। और हम लोगों की जो ट्रेन थी वो हम लोगों को छोड़ के चली गई है। तो अभी हम लोगों का काम ये है कि यहाँ से बाहर ऑटो चलती है, ये हम लोगों को पता है उनके गाँव तक जाती है, कुछ दूरी पर पैदल चलना पड़ता है। हालाँकि उनके गाँव का जो मोड़ है वहाँ से हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा, तो उनका गांव का उनका जो घर है वो काफ़ी अंदर है गांव में। तो हम लोग यहां से चलेंगे अभी बाहर, ऑटो पकड़ेंगे और नाश्ता वास्ता हो सकता है करेंगे। अभी हम लोगों को इतना तो पता है कि उनका गांव कहां है, बट अभी पता नहीं उनका घर में कैसे कैसे जाना है, गली गली गुच्चे में। तो हम लोग यहां से निकल रहे हैं उनके घर की ओर, और फिर बने रहिए वीडियो पे आप तब तक। तो दोस्तों अभी क्या है कि हम लोग उनके गांव में एंट्री कर चुके हैं, और ये गली है, काफ़ी दूर हम लोग पूछते पूछते अंदर आ गए हैं। और दीपक भाई को मैंने लगा दिया कि आप पूछते रहिए किस तरह से जाए। पूछने वाला है जो हमारा पूछताछ डिपार्टमेंट। हाँ, तो अभी काफ़ी यहाँ पे मोड़ वगैरह है, आप देख सकते हैं गली चारों तरफ घर है। हम लोग पूछते पूछते कि कल्लू जी का घर बता दीजिए किधर है। तो ऐसे करते करते छह लोगों से तो पूछ लिए। हाँ, और हम लोग काफी दूर भी चल लिए हैं। चलिए आगे ऐसे ही बढ़ के दिखाते हैं मिलने के बाद। हम लोगों लगभग लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर तो चली दिए होंगे पैदल। जी, तो अभी क्या कि बहुत हम लोग दूर पे निकल चुके हैं, पूछते पूछते कि मतलब कोई ना कोई ऐसा होगा कि यार बोल देगा चलिए अब यहाँ पे है। अभी तक यही सुनने को मिला है कि आगे जाइए, वहाँ से मुड़ जाइए, और काफी दूर हो गया है। चलिए फिर अब मिलने के बाद ही मिलते हैं आपसे। आपसे मिलेंगे हम लोग घर पे, घर पर या फिर गली में कहीं। जी जी। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं कल्लू जी के घर की ओर, ये जो गली है यही उनके घर की ओर जाती है। तो अभी हम लेके चलते हैं उनके घर की ओर, फिर आपको दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो पे, अच्छे से आपको दिखाएंगे घर। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं बक्सर के अहिरौली गांव में, जहाँ पे अरविंद अकेला कल्लू जी का जन्म हुआ था। अभी हम उनके घर के सामने मौजूद हैं, ये जो है उनका घर है और ये उनका गेस्ट हाउस है। यहाँ पे उसके इधर देख सकते हैं आप अपोजिट साइड में वो जो व्हाइट वाला घर है, ये उनका अभी नया घर बन रहा है, अभी उसमें पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है। और अभी हमारे साथ इनके चाचा जी मौजूद हैं इधर, और इधर भी एक चाचा जी मौजूद हैं हमारे साथ। तो आइए इनसे हम जानते हैं उनके बारे में, और आप लोगों को भी बताते हैं। तो चाचा जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। श्री मुनि गोड़। हाँ। तो चाचा जी, अच्छा कल्लू जी जो हैं, हाँ, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था इस लाइन में गाना वाना गाना? गाना वाना तक हमने के ये मथिन माँ काला मंच पर हमने के पहले उनका के सिखावत रहने है जा हमने के। अच्छा अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे अपन खुल गेलन। हाँ। गवाही के एगो जौन लिखक बान वह अपन लिख के गाना दियान। हाँ। धीरे सुनील सागर अपन धीरे धीरे चमक गेलन। अच्छा अच्छा। उनके गुरु का क्या नाम है कुछ पता है आपको? गुड्डू पांडे जी। चल लास्ट बार अभी फिलहाल यहाँ पे आए थे कल्लू जी? हाँ हाँ, 17 तारीख को आए थे। 17? हाँ। अच्छा अच्छा, पचकोसी मेला में। अच्छा, तो अभी कहाँ है वो कुछ पता है आपको? अभी तो फ्लाइट से उड़ के गया बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे में रहते हैं। हाँ। अच्छा, उनका बताया जाता है उनका घर एक मुंबई में भी है। हाँ। अरे वहाँ पे बनारस में भी? बनारस में दो घर है। अच्छा, बॉम्बे में एक ठो घर है। बॉम्बे में एक घर है। हाँ। बनारस में दो घर है। अच्छा अच्छा। उनका जो है पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुआ था? पढ़ाई लिखाई बक्सर अहिरौली बिहार पब्लिक स्कूल बा हमने के गांव के जरिए। किस क्लास तक मतलब उन्होंने पढ़ाई किया था? इंटर पास करके जल्द चल गए। कहाँ गए फिर यहाँ से? बनारस। बनारस फिर रहने लगे। हाँ। अच्छा, बनारस वो कब से रह रहे हैं? बनारस करीब करीब 9-10 बरिस हो गए। 9-10 साल से रह रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, इंटर तक पढ़ाई किए हैं। हाँ। अच्छा, उनका स्कूल कहाँ? इधर अगल बगल ही है बिहार पब्लिक, यहाँ से गाँव में भी है।
गांव में इत छोटा स्कूल है। अच्छा महा कौन बोले ला हो मध्य विद्यालय अरौली। अच्छा उनके माता पिता कहाँ रहते हैं? बनारस। बनारस में वो लोग भी रहते हैं? हाँ। कितने भाई बहन हैं वो? भाई बहन भाई भाई चार भाई है, बहन तो नहीं है। बहन नहीं है? नहीं है। अच्छा अच्छा चारों भाई कहाँ हैं? बनारस में। सभी लोग बनारस में? तीन भाई बनारस में, कल्लू जी बम्बे। अच्छा वो तो मान लीजिए कहीं इधर उधर निकले ही रहते हैं कल्लू जी। तो उनके जो और तीन भाई हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई करते देहरादून में पढ़ल एक लोग। हाँ। सबसे बड़े वाले हैं? सेकंड वाले। अच्छा बड़े वाला तो वहीं पर बनारस में है। अच्छा अच्छा और दो दो लोग पढ़ते हैं। हाँ। तो कल्लू जी क्या सबसे बड़े हैं या फिर छोटे हैं? माझिल हैं। अच्छा अच्छा बड़ा से छोटा। अच्छा तो उनके जो भाई हैं वो लोग चारों लोग उन लोगों को थोड़ा सा नाम बताइएगा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा। कल्लू के माने कल्लू अरविंद अकेला नाम है उनका। लल्लू के उनका आसू नाम है। संतोष छोटू छोटू। और जो सबसे बड़े वाले हैं उनका वो क्या करते हैं? क्रिकेट का तू खेलते हैं यहाँ ये बाहरौली राज्य स्तर पे? हाँ। अच्छा अच्छा क्रिकेटर बनने का उनका शौक है। अच्छा अच्छा कब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं? दो बरिस ले क्रिकेटर का अपन टीम चलावे लन। अच्छा अच्छा तो उनका गांव में कितना घर है इधर अहिरौली गांव में उनका कितना घर है? अहिरौली गांव में तो बहुत घर है उनका। अच्छा लगभग कितना होगा? अरे 10-12 गो घर बा यहाँ। बम्बे से छोड़ के बनारस से छोड़ के 10-12 गो तो घर है ये बा। अच्छा अच्छा उनका घर कोई आप हमको दिखाएंगे यहाँ से जो दिख रहा होगा? हाँ हाँ दिखाएंगे। कौन सा है दिखाइए? ये तो पहले उजला वाला घर है। अच्छा ये जो वाइट वाला है? वाइट वाला है जो पीछे अभी हमारे पीछे। हाँ और उसके बाद है तो द्वार है। अच्छा ये। हाँ और फिर? फिर एक द्वार उधर है। ये किधर हमारे पीछे ये जो है? हाँ हाँ ये भी है ना। हाँ अच्छा तो गांव में भी उनके गाना वाना का शूटिंग होता है यहाँ पे? हाँ यही तो होला। हाँ कहाँ हुआ था इधर? ये बाबा गंगेश्वर नाथ के हैं। अच्छा मंदिर है? हाँ मंदिर है वहाँ। अच्छा बगीचे में। अच्छा उनका कोई गाना आप बताइएगा हमारे दर्शकों को जो बड़ा अच्छा लगा हो। छोटा पक है कि बड़ा पक है? अच्छा उनका पहला गाना कौन सा आया था? पहले तो जींस फारी वाला चला रहे तवन गाना रहे। अच्छा आ देवी गीत रहे छोटी छोटी पाँव मैया कैसे चढ़ी हो। अच्छा ये सब उनका जो है गाना आया था स्टार्टिंग में? सुपर हिट गाना चला। अच्छा अच्छा पहला उनका गाना कोई हिट गाना आया था जो जिससे जो है आगे बढ़ते गए फिर? गवानवा कहिया ले जेबू ना। तो उनके जो है गायकी की दुनिया में उनको मतलब कौन लाया या फिर उनके परिवार से ही कुछ लोग थे या फिर उनका मतलब इधर की तरफ झुकाव ही था पहले से ही तो कुछ तो बचपन से माने मथिमा काला मन से उठा उसके बाद करते करते हम अपन चालू हो गया। अच्छा, अच्छा कहीं भी जाता था गांव में नाच बाजा तो वहीं पर चढ़ा देते थे हम लोग गाना शुरू कर देता था। अच्छा अच्छा तो दोस्तों देखिए ये जो है अभी नया जो उनका गेस्ट हाउस वो कुछ इस तरह का दिखता है उसका नज़ारा जो है कुछ इस तरीके का है और उधर जो उनका जो घर अभी बन के तैयार हो गया है वो वाला जो घर है देखिए वाइट कलर से अभी उसका जो है पेंटिंग चल रहा है अभी पुट्टी लग रहा है उस पर और अभी जो बन के तैयार हो जाएगा तो फिर काफ़ी अच्छा बड़ा और घर बन तो काफ़ी अच्छा और बड़ा लगेगा घर। अभी उनका जो घर है वो इधर अगर साइड में बता रहे थे लोग किधर से भी उनका घर है काफ़ी उनका यहाँ पे घर है जैसा कि आप लोगों ने इंटरव्यू में देखा होगा और इधर देख रहे हैं आप इधर जो है ज़मीन खाली पड़ी हुई है और इधर जो ये आप देख रहे हैं जो ये पेड़ वगैरह लगा हुआ है ये सब इसके उधर जो है एक मंदिर है जहाँ पे चाचा जी बता रहे थे कि वो जो है जाते थे वहाँ पे ही अपना जो है गाना वाना सीखते थे जो उनके पिताजी मंदिर बनवाए थे बाप उनके पिताजी और दादा लोग जो बनवाए थे मंदिर वो वहीं पे जा करके जो है प्रैक्टिस वैक्टिस करते थे गाने की। तो दोस्तों वही ये जो वाला जो वाइट वाला घर है आप देख रहे हैं हमारे पीछे इसको जो है हम सामने चल के दिखाते हैं तो दोस्तों यही है कुछ और अभी हम आपको ले चलते हैं उनके घर की ओर जो मेन घर भी जो है वाइट वाला वो आपको दिखाते हैं चलिए आइए।
तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो था कल्लू जी का घर, और इसके पहले हमने आप लोगों को प्रमोद प्रेमी यादव का घर, पवन सिंह का घर, खेसारी लाल यादव का घर दिखाया है। उन सब वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे आप सभी लोगों को, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। और आप कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसे, नेक्स्ट आप लोगों को किस स्टार का घर के वीडियो चाहिए, आप हमसे कमेंट करके बताइए कि हम आपको दिखाएंगे। और जो भी जिस किसी भी भाई को अगर पता हो कि अगर आपके अगल बगल में या फिर आपको अगर पता हो कि नहीं ये स्टार यहाँ पर रहता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हम आपको जो है, अगर आपका चैनल होगा तो आपका चैनल का नाम अपने वीडियो में ले लेंगे, या फिर जो है जैसे आप बोलेंगे वो हम आपके लिए कर देंगे। तो प्लीज़ आपको अगर पता हो तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा ज़रूर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चंदन भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा इनके चैनल। लाइक कर दो भाई वीडियो को। हाँ, अब ये वाली जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, मजेदार रहिए, और देखते रहिए दीपक बनारसिया।